रामलीला में ताड़का के अग्निकांड से हड़कंप। रामलीला में कुर्सी के लिए महाभारत। रामलीला में अनहोनी की आंखों देखी। रामलीला भगवान राम के जीवन और आदर्शों की लीला, जिसे हर साल मंच पर साकार करते हैं कुछ मंजे हुए कलाकार। आपने भी कभी ना कभी रामलीला जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको रामलीला की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। रामलीला के मंच पर हुए खौफनाक हादसे का ये डरावना मंजर देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामलीला के मंच पर आग का डरावना खेल। आग से खेलते खेलते लपटों से घिरी ताड़का। ताड़का वध से पहले लोगों ने देखा आग का तांडव। ताड़का के अग्निकांड से रामलीला में मच गई चीख पुकार। ताड़का के अग्निकांड से हड़कंप। रामलीला में अनहोनी की आंखों देखी। अभी जो आपने देखा वो एक नहीं दो अलग अलग शहरों की आंखों देखी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में रामलीला का मंचन चल रहा था। इत्तफाक से दोनों ही जगह मंच पर ताड़का वध का दृश्य चल रहा था। दोनों ही जगह ताड़का राक्षसी का किरदार निभाने वाले कलाकार आग की लपटों से खेल रहे थे, और फिर खेल खेल में ही ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसे देखकर लोगों की चीख निकल गई। मंच पर रामलीला चल रही थी। मंच के सामने दूर दूर तक लोगों की भीड़ जुटी थी। सभी की नजरें मंच पर टिकी हुई थी। रामलीला के मंच पर चल रहा था ताड़का वध का प्रसंग। ताड़का राक्षसी आग की लपटों से खेल रही थी, और तभी अचानक आग की लपटों से खुद घिर गया रामलीला का ये किरदार। रामलीला के मंच पर अग्निकांड की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हैं। शनिवार रात दमोह के तेजगढ़ में रामलीला का मंचन हो रहा था। नवरात्र पर हर साल होने वाली इस रामलीला को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। यहाँ राम कथा को बेहद रोमांचक तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन शनिवार रात रामलीला के मंच पर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। मंच पर थोड़ी ही देर बाद ताड़का वध का प्रसंग होने वाला था। ताड़का राक्षसी के हाथ में मशाल दिखाई दे रही थी। आग के दृश्य को डरावना बनाने के लिए ताड़का बना ये कलाकार मुंह से आग निकालने का करतब दिखा रहा था। आग की लपटों के लिए ताड़का राक्षसी मुंह में रखे केरोसिन तेल को मशाल पर फूंक रही थी, और उसके सामने हाथों में धनुष थामे खड़े थे श्री राम। रामलीला की स्क्रिप्ट के मुताबिक श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार को ताड़का राक्षसी पर बाण चलाना था, लेकिन श्री राम के धनुष से बाण चल पाता उससे पहले ही आग की लपटों से घिर गया ताड़का की भूमिका निभाने वाला अदाकार।
अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। ये देख एक पल तो मंच पर खड़े कलाकार भी कुछ समझ नहीं पाए कि वो क्या करें। जो श्रीराम ताड़का वध के लिए तैयार खड़े थे, वो ताड़का को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते नजर आए। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। आप एक बार फिर से देखिए हादसे की पूरी तस्वीर। रामलीला के मंच पर हड़कंप मच गया। इससे पहले कि आग की लपटों को बुझाया जाता, ताड़का राक्षसी का किरदार निभा रहे रमेश मिश्रा बुरी तरह से झुलस गए। रामलीला में अफरा तफरी मच गई। रमेश मिश्रा को फौरन अस्पताल ले जाया गया। आग से उसके दोनों हाथ और शरीर के कुछ हिस्से जल गए, लेकिन गनीमत थी कि उसकी जान बच गई। हम मंचन कर रहे थे ताड़का का। इस समय अचानक आग बाल से पकड़ ली। अच्छा, तो हो गया, यहाँ से हम भागे जी स्टेज छोड़ करके। तो सभी जो पत्रकार लोग हैं, हम मदद के लिए हमारे दौड़े सदस्य लोग जो है दुर्गा जी के, सब दौड़े अपने स्टेज के जो है, तो कलाकार भी दौड़े जी जी। इसके कारण से इतनी हादसा बच गया। मंच पर हुए इस हादसे के बाद ताड़का की भूमिका निभाने वाले रमेश मिश्रा बुरी तरह से सहमे हुए हैं। अब वो दूसरे कलाकारों को सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। रामलीला सदस्यों से हमारा ये संकेत है कि कृपया इस तरह का मंचन न करें। रामलीला के मंच पर अग्निकांड में बाल बाल बचे रमेश मिश्रा का कहना है कि रामलीला के मंचन के दौरान कोई भी कलाकार ऐसा आत्मघाती कदम न उठाए जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ जाए। सनसनी के लिए दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की रामलीला में ताड़का का किरदार निभाने वाला कलाकार खुशकिस्मत था। वाक की लपटों से घिरने के बाद भी सही सलामत है। लेकिन राजस्थान का एक कलाकार इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ताड़का की भूमिका निभाने वाला वो कलाकार मंच पर बुरी तरह से झुलस गया। आप भी देखिए रामलीला में ताड़का के अग्निकांड की एक और सनसनीखेज दास्तान। एक हाथ में जलती मशाल, दूसरे हाथ में केरोसिन तेल से भरी बोतल और मुंह में तेल भरकर आग के साथ खतरनाक स्टंट। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर की हैं। वहां भी रामलीला के मंचन के दौरान चल रहा था आग की लपटों का खतरनाक खेल। ताड़का राक्षसी का किरदार निभाने वाला कलाकार तिलक राज शर्मा मंच पर अपनी एंट्री को भयावह बनाने के लिए लपटों से खिलवाड़ कर रहा था। ताड़का बने तिलक राज ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये खतरनाक स्टंट दोहराया। कभी वो प्लास्टिक की बोतल में भरे केरोसिन को अपने मुंह में भरकर आग पर फूंक मार रहा था, तो कभी मुंह की आग से जमीन पर रखे पटाखे जलाने का करतब दिखा रहा था। और फिर अचानक तिलकराज खुद ही आग की लपटों में घिर गया। रामलीला के मंच पर सनसनी फैल गई। जो लोग उसके करतब को कैमरे में कैद कर रहे थे वो उसे बचाने के लिए दौड़े। रामलीला कलाकार तिलकराज को फौरन श्री गंगानगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हम आपको दिखाते हैं हरियाणा में हुई अनहोनी की आंखों देखी। दास्तान हरियाणा के फतेहाबाद की है, जहां मंच पर रामलीला का मंचन चल रहा था और मंच के सामने छिड़ी थी महाभारत। यह पूरी कहानी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रामलीला के दौरान आपस में भिड़ गए दो गुट और फिर कुर्सियों को लेकर छिड़ गई महाभारत। हंगामे और अफरा तफरी का यह वीडियो हरियाणा के फतेहाबाद का है, जहां शनिवार की रात मामूली बात पर दो गुटों के बीच घमासान हो गया।
फतेहाबाद की चिली वाली रामलीला के मंचन के दौरान कुछ नौजवान आपस में भिड़ गए। आपसी कहा सुनी को लेकर उनके बीच खूब लात घूंसे चले और रामलीला का मंचन बीच में ही बंद करना पड़ा। गुंडागर्दी पर आमादा नौजवानों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां उछाली। इससे रामलीला में हंगामा मच गया और रामलीला देखने के लिए आए हुए लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। रामलीला कमेटी के सदस्यों ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो ये लड़के उनके साथ भी हाथापाई पर उतर आए। वारदात की इत्तला मिलने पर फतेहाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ही गुट वहां से फरार हो चुके थे। रामलीला के अंदर झगड़ा होने बारे सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची सब इधर उधर भाग गए थे, लेकिन अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जब शिकायत प्राप्त होगी तो नियमानुसार कार्रवाई। फतेहाबाद पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस के पास गुंडागर्दी का सबसे बड़ा सबूत ये वीडियो है, जो रामलीला देखने आए कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से तैयार किया था। पुलिस का दावा है कि वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। सनसनी के लिए फतेहाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। ठाए ठाए अखियों से गोली मारे। आपने यह फिल्मी गाना तो जरूर सुना होगा। अखियों से गोली मारने की कातिलाना अदा के बारे में आपने शेरो शायरी भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या किसी को मुंह से गोली चलाते हुए देखा है? नहीं नहीं नहीं, सवाल सुनकर चौंकी मत। मुंह से गोली चलाने की बात सुनने में भले ही आपको अजीब लग रही है, लेकिन यूपी पुलिस ने एनकाउंटर का यह नया स्टाइल इजाद किया है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। देखा आपने? नहीं देखा तो फिर से देख लिए। सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर सुन लीजिए। जी हाँ, आपने पुलिस की कई खतरनाक मुठभेड़ देखी होंगी, लेकिन ऐसी मुठभेड़ क्या आपने देखी है जहां पुलिस मुंह से भी गोली चलाती है? जी हाँ, यूपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुंह से भी गोली चलाती है। यूपी के संभल जिले की ये तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। तस्वीर संभल में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ की है। पुलिस वाले एक कुख्यात बदमाश का पीछा कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले ने गोली चलाई, लेकिन एक दो फायरिंग के बाद गोली रिवॉल्वर में ही अटक गई। गोली रिवॉल्वर में अटकी तो खड़े पुलिस वाले ने मुंह से ही ठाए ठाए बोलना शुरू कर दिया, मानो अपराधी कोई मासूम बच्चा हो जो मुंह की आवाज से ही डर जाएगा। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। ये जब कॉम्बिंग होती है तो तमाम अपराधियों पर प्रेशर बनाने के लिए घेर लो और ये कर लो और निकल आओ, इस तरह की चीज रहती है, जिससे उस पर मानसिक दबाव बनता है, फायर किया जाता है, तो वेपन में अक्सर जो है रोक आ जाती है, इसको रोक कहते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है और जो कल हुई और जिसका बाद में न्यापन। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस वाले बिना हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ही मौके पर पहुंचे थे। उनके हथियार भी काम नहीं आ रहे थे, जबकि पुलिस की टीम एक बदमाश को पकड़ने का दावा कर रही है। ठाए ठाए वाली इस मुठभेड़ में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। सनसनी के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। यूपी पुलिस के अजब एनकाउंटर का गजब स्टाइल देखकर पूरा देश इन पुलिस वालों पर हंस रहा है, लेकिन आला अफसर अब सफाई देते फिर रहे हैं। सनसनी में अभी बस इतना ही। दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।